सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि अभी कल तक 21 तारीख से 23 दिसंबर तक मखौड़ा मनोहर महोत्सव चल रहा था। इसी बीच में बस्ती के जाने माने स्टार सिंगर श्रीमान राहुल सिंह जी ने फेसबुक लाइव माध्यम से आकर और इस मखौड़ा मनोहर महोत्सव में कार्यक्रम के आयोजक जो कि विधायक सिंह जी रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि इस जनपद के लोकल कलाकारों को सम्मान नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया कार्यक्रम में और उस पौराणिक स्थल पर रंगारंग कार्यक्रम कराया गया। तमाम सारे आरोप लगाते हुए उन्होंने फेसबुक लाइव माध्यम से अपनी बात रखी सोशल मीडिया के सामने और वो इसके पहले लगातार विधायक जी से जुड़े रहे हैं, चाहे उनके लिए गीत गाना हो या उनके साथ में चलना हो, तमाम सारे कार्यक्रम में उनके साथ में दिखे हैं। ये अचानक में नाराजगी कैसे बड़ी, इन तमाम सारे बातों पर डिस्कस करते हैं। हमारे साथ में सिंगर साहब जुड़े हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आपके YouTube से जुड़े हुए सभी भाइयों को और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं उन सभी का जिन्होंने आज अपना आशीर्वाद देकर के मुझे थोड़ा बहुत जो भी दिया है उसका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। अचानक राहुल जी लाइव आने की वजह क्या थी, क्यों आप नाराज हुए इतना विधायक जी से भड़क गए, क्योंकि आप तो उनके बहुत खास रहे हैं पहले? खास नहीं, ऐसे होता है ना कि बदलाव जी, बदलाव को लेकर के हम लोगों के अंदर इच्छा थी और लगभग हरैया के आमाम के अंदर इच्छा थी कि कुछ शायद अपने घर का बेटा जब आएगा तो अपने घर के लोगों को बढ़ाएगा, घर के बारे में सोचेगा, अच्छा करेगा, उस उम्मीद से हम लोग लगे थे जी। और ऐसा नहीं कि मैं आज उनका विरोध कर रहा हूं या कुछ, बस उनसे एक चीज का निवेदन और एक चीज का सवाल है मेरा जी। कि आपने कहा कि मैं किसानों का, युवा का, हर चीज का, हर व्यक्ति का सम्मान कर रहा हूं, हर व्यक्ति को आगे बढ़ा रहा हूं। आप बताइए कि आपने 4 साल बाद आपको याद आया मखौड़ा मनोर महोत्सव के बारे में जी, मखौड़ा मनोर महोत्सव आपने कराया जी, आप बताइए उसमें कितने लोकल कलाकार को हरैया विधानसभा से या बस्ती जिले के कितने कलाकार को आपने लगाया जिसको यथासंभव सम्मान दिया गया हो जी। यही बगल में आपके हमारे अवध में होता है अयोध्या महोत्सव में जिसमें 150 से ज्यादा स्टार आते हैं और उसके बाद अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अकबरपुर, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के जो सिंगर हैं उनको फूक अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और आज हमारे घर में यदि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और अगर उस कार्यक्रमों में आप भी जाते हैं, मैं गया हूँ पिछली बार का रहा है कार्यक्रम और इस बार भी हो सकता है कि हम लोगों को फिर जाने का मौका मिले जी। ये अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है कि जिस तरीके से अलग अलग जनपदों में राहुल सिंह जी जाते रहे हैं अलग अलग महोत्सव में, अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम के दौरान, और अपने बस्ती जनपद में जब कोई कार्यक्रम होता है, उनके लोकल हरैया विधानसभा में जब कोई कार्यक्रम होता है और विधायक जी के इतने करीबी माने जाने वाले, बस्ती के स्टार सिंगर कहे जाने वाले राहुल सिंह जी को जब महोत्सव में नहीं बुलाया जाता तो नाराजगी इस कदर बढ़ती है कि आप फेसबुक लाइव माध्यम से आकर आपको बात रखना पड़ता है। आपको बुलाया नहीं गया, कार्ड नहीं गया आपके पास? नहीं, कार्ड तो गया। विधायक जी ने कहा था कि हमने पूरे जनपद वासियों के पास में कार्ड भेजा है। पूरे जनपद वासियों को कार्ड गया है? आप बताइए, हम स्टेज सिंगर हैं, हम स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं, आप मुझे परफॉर्मेंस के लिए नहीं पूछोगे तो हम मतलब कोई आपके कार्ड पे आपके यहाँ तो आ नहीं जाएंगे जी। कार्ड पे कार्ड भी देने के बाद में लोग जाते हैं घर पर निमंत्रण करने। देखिए कलाकार का होता है, जब तक ले कलाकार का नाम मंच पे नहीं आया जी। आप फूक अवार्ड का लीजिए, पिछली बार फूक अवार्ड जब अयोध्या महोत्सव में हुआ था वहां पे हम सबका नाम लगा था, फोटो लगा था कि फला कलाकार फला लोग आ रहे हैं जी जी। क्या वैसा सम्मान अपने मखौड़ा मनोहर महोत्सव में देखा था जी? किसी लोकल कलाकार की फोटो लगी है, किसी लोकल कलाकार का कार्ड पे नाम है जी? नहीं है ना। तमाम सारे आपके साथी लोग भी आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम बेकार रहा, इतनी सारी भीड़ हुई फिर भी कैसे बेकार रहा? देखिए मखौड़ा मनोहर महोत्सव अगर हो रहा है आपके लोकल हरैया में या मखौड़ा धाम में, क्या दिक्कत है इससे आपको? देखिए मखौड़ा मनोहर महोत्सव होना या हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन जिस कहते ना कि प्लेस के हिसाब अकॉर्डिंग जी जी, जगह के हिसाब से कार्यक्रम होना चाहिए। अब हम राम जन्मभूमि के अंदर रंगारंग कार्यक्रम कराएंगे, मखौड़ा धाम के अंदर रंगारंग कार्यक्रम कराएंगे? अरे कराना ही था तो राम का भजन कराते, जागरण कराते, मखौड़ा में जन्म होने पे सोहर गवाते, रंगारंग कार्यक्रम किसी पौराणिक स्थान पे शोभा देता है। ऐसे तो सब राम के बहुत बड़े धर्म के अनुयायी हैं जी।
जगह के अकॉर्डिंग इंसान को कार्यक्रम कराना चाहिए जी, और यही अपेक्षा हमारी उनसे भी थी। विधायक जी ने कहा कि हमने सभी का सम्मान किया, चाहे वो किसान हो, चाहे किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति हो, युवा हो, छात्र हो, या अपने वो पार्टी के पदाधिकारियों का, मतलब उन्होंने कहा कि समूह सखी हैं, अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए हर लोगों का हमने सम्मान करने का काम किया। मैं भी उनके पार्टी का ही पदाधिकारी हूँ जी। मैं प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना कला एवं सांस्कृतिक विभाग का बस्ती जिला अध्यक्ष हूँ जी। बताइए कितने कलाकार को सम्मान मिला है वहां पे, कितने कलाकार बस्ती जिले से या कह सकते हैं कि अपने अवध के कलाकारों में कितने कलाकार को वहां सम्मान मिला है। नाराजगी कह सकते हैं। किसी ने आपको फोन करके कोई जानकारी ऐसा नहीं दिया या बुलाया गया आपको? ना, पहली चीज तो मैं 22 की सुबह में आया हूँ, घर में था, बनारस मेरी शूटिंग चल रही थी, तो कल दिन भर कार्यक्रम वहां पे चलता रहा सम्मान समारोह का, कर रहे होंगे किसी और का, या आप गए नहीं? नहीं, एक चीज है कि जो सम्मान हमको अपेक्षा थी विधायक जी से वो नहीं मिला, तो मेरा जाना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे हरैया के सम्मान की बात है। क्योंकि उन्होंने कल मंच से उनका एक बयान आया है कि ऐसे हम आगे भी करवाते रहेंगे इस कार्यक्रम को, और पवन सिंह जी आते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं हैं उनको, माननीय विधायक जी को, भैया उनको, कि मतलब ऐसे कराते रहिए लेकिन जगह थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए। मखौड़ा में यदि हो तो जागरण के उत्सव से हो, रंगारंग कार्यक्रम के उत्सव से नहीं। और आगे जब भी कार्यक्रम कराएं तो प्रथम वरीयता अपने यहाँ के कलाकार को, उसके बाद से जो बड़े आते हैं। हम लोगों की भी इच्छा होती है, क्या हम नहीं चाहते कि हम पवन सिंह जी को सुने? लेकिन लोग तो वहां पे अक्षरा सिंह जी को भी सुनने आए थे। कल वीडियो एक वायरल हुआ अक्षरा सिंह जी का, उन्होंने कहा भी कि हम बस्ती नहीं आ रहे, हमारे खिलाफ में फर्जी खबर हाँ। फैलाई गई, और उन्होंने कहा कि जो पर्चे बांटे गए वहां पे उसमें हमारा नाम मिसयूज किया गया, तो गलत है जी। किसी कलाकार का नाम उनको भी सुनने गए थे। किसी कलाकार का नाम डालने से पहले जब तक आप उससे बात नहीं कर लेते हैं, उससे की तरफ से कन्फर्मेशन नहीं ले लेते हैं, आप क्यों डाले ऐसा नाम? डालने से पहले आपको कंफर्मेशन होनी चाहिए कि इस तारीख को हम इस कलाकार का प्रोग्राम करवा पाएंगे या वो आ जाएंगे, उनका डेट खाली है या नहीं खाली है। इन चीजों के बारे में अभी मैंने एक मीडिया में भी देखा है, दैनिक जागरण बस्ती में जी। एक पत्रकार महोदय हैं कि उन्होंने डाला है कि पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह जी, धन्य है ऐसे पत्रकार, उनको तो मैं कहता हूँ अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब कोई भी खबर डालने से पहले, खबर छपी थी उसमें, उसमें यही था कि पवन सिंह जी और अक्षरा सिंह जी ने लगाए ठुमके मखधाम मखौड़ा में। उनको कम से कम उस जगह जा करके देखना तो चाहिए था कौन कलाकार है, कौन आया कौन नहीं आया है, जहां से खबर छप जाती है। क्योंकि पत्रकारों पे लोग आंख मूंद करके विश्वास करते हैं, और आप इस तरीके से झूठे खबर को डालेंगे तो आप एक के चलते पूरा पत्रकार समाज की नजरों में गिरेगा या नहीं गिरेगा, या गलती है पत्रकार साहब की? आप नाराज हैं आप विधायक जी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाराज नहीं है, खुश हैं? खुश भी नहीं है। आप पूरी बात कहिए, बोलने का आपको मौका मिला है, आप पूरी बात कहिए। देखिए जो भी मन में है आपके। नाराजगी भी नहीं है, खुश भी नहीं हूं। क्या चाहते हैं आप? चाहते ये है कि आप यदि कोई काम करें तो उसमें हरैया का विकास, हरैया के लोगों का विकास, हरैया के यूथ का विकास, हरैया के किसान का विकास, हरैया की महिलाओं का सम्मान, सब चीज को लेकर के तब आप आगे बढ़ सकते हैं, और इस चीज को आपको करना चाहिए। माननीय मोदी जी, योगी जी मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में आपकी भी कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उनके तरीके से होनी चाहिए, आपके तरीके से नहीं जी।
दोस्तों अभी तक आप सभी बस्ती के जाने माने सिंगर राहुल सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा किया है कि जिस एक तरफ इस मखौड़ा मनोहर महोत्सव को लेकर विधायक जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने हर वर्ग के लोगों को, किसान, नौजवान, युवा, विद्यार्थी या पार्टी के पदाधिकारी, हर किसी का हमने सम्मान करने का काम किया, हररिया के लोगों का, मखौड़ा के लोगों का हमने गौरव बढ़ाने का काम किया है, लेकिन यह अपने आप में झूठा होता फिर तब दिखता है जब बस्ती के जाने माने सिंगर राहुल सिंह जी कहते हैं कि हमारा अपमान हुआ है, हमको वहां पे इनवाइट नहीं किया गया, एज एक कलाकार हमको वहां पे सम्मान नहीं दिया गया, या बस्ती जनपद के या हररिया जनपद के किसी भी लोकल कलाकार को जब उस मंच पर मौका नहीं मिलता है और चाहे 10 लाख चाहे 20 लाख लग जाए, लेकिन पवन सिंह जी को बुलाया जाता है और उस पौराणिक स्थल पर रंगारंग कार्यक्रम कराया जाता है, तब उस मखौड़ा का अपमान होता है, तब उस बस्ती जनपद के उन सभी कलाकारों का अपमान होता है जब उनको मौका नहीं दिया जाता है और सम्मान नहीं दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि विधायक जी का एक तरफ से झूठा वादा किस तरह से फेल होता दिख रहा है कि हमने विकास किया है, जैसा कि अभी अलग इंटरव्यू के बाद विकास की बात आप ले लीजिए, मखधाम मखौड़ा में महोत्सव हो रहा है और वहां पे पतित पावन मनोरमा नदी की साफ सफाई आपने देखी जी, किस कैटेगरी? बहुत बड़ा प्रश्न सीएम सुदामा जी आपके हरैया से ही है, निर्दल प्रत्याशी, वो भी उठाया कि मखौड़ा की सफाई नहीं हुई, मनोर नदी की सफाई नहीं हुई है, या किसकी जिम्मेदारी है? जब कहते ना घर का गार्जियन जी, आपको विधानसभा ने अपना गार्जियन बनाया है, गार्जियन के साथ आपको पद के साथ बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपको दिया है, उस चीज को निर्वहन करना आपके कर्तव्य में सर्वप्रथम है, जिसका नाम लेकर के आप आगे बढ़े, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपसे भूल, हम एक बार की नहीं, 5 साल से एक ही भूल हो रही है, कम से कम एक बार तो नजर डाल दिए होते, लेकिन खैर क्या किया जा सकता जी। तमाम सारे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से उठ रहे हैं कि 4 वर्ष हो गया विधायक जी ने मखौड़ा महोत्सव कार्यक्रम क्यों नहीं अभी तक करवाया, या अब कार्यक्रम हुआ तो वहां पे मखौड़ा धाम में भगवान राम की उद्भव स्थली कही जाती है, जो कि बहुत पुराना उसका इतिहास रहा है, पौराणिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल है, वहां पे रंगारंग कार्यक्रम किया गया, पवन सिंह जैसे कलाकार वहां पे आए और रंगारंग कार्यक्रम किए, सीएम सुदामा जी ने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, मनोर नदी की सफाई नहीं हुई, तमाम सारे युवा नाराज है कि वहां पे हमको नहीं बुलाया गया, बस्ती के कलाकारों को नहीं मौका मिला, तमाम सारे प्रश्न अपने आप में खड़ा हो रहे हैं। क्या किसी बीडीसी को भी सम्मान मिला? क्योंकि सबसे कहते हैं ना कि सबसे छोटे व्यक्ति जो होते हैं बहुत मन से काम करते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, प्रधान हो, बीडीसी हो, तो उसमें सबसे नीचे से सम्मान होता है, ना कि सबसे ऊपर से होता है। बीडीसी से शुरुआत करनी थी तब जाकर के प्रमुख जी तक। कल अभी एक बीडीसी के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली कि दुफेड़ी न्याय पंचायत के जो बीडीसी हैं उनको भी सम्मानित नहीं किया गया, बहुत सारे बीडीसी छूट गए हैं जिनको सम्मानित नहीं किया गया, तो कुछ जो खास थे उनको सम्मानित किया गया, कुछ लोग जो नहीं ध्यान दिया गया, तो ये जो अपने आप में असमानता दिख रही है, सभी को समान नजरिए से नहीं देखा गया, ये अपने आप में क्षेत्र वासियों का अपमान है, जो कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया मिल रही है, जो कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से माननीय राहुल सिंह जी के साथ में खास बातचीत किया और मैंने आपका पक्ष रखा कि इस तरीके की भावना या इस तरीके की कार्यशैली नहीं होनी चाहिए। सर हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, अपनी दर्द रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।